हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर बार इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगेन दिस चैप्टर इज लाइक रे ऑप्टिक्स। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, अगर आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता है, तो आप बहुत ही आसानी से नीट के अंदर अपीयर होने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, बट हम इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होगी हाइगेंस प्रिंसिपल के साथ। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन के टाइम पर न्यूटन की बात को गलत सिद्ध करने की कोशिश करी थी। हालांकि इनकी किसी ने सुनी नहीं थी, वो एक अलग स्टोरी है। इन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और उस टाइम पे वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, तो इन्होंने खुद की एक थ्योरी डेवलप कर दी। इन्होंने बताया कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ऐसा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एक ऐसा कॉमन एनवलप, सारे के सारे पॉइंट्स जिसके सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट बोला जाता है। तो वेव फ्रंट जो होगा ना, वो सोर्स के रिस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा और इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए इंटेंसिटी डिस्टेंस के, सोर्स से जो डिस्टेंस है आपके वेव फ्रंट की, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लीनियर सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, और इंटेंसिटी जो होगी वो केवल और केवल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो बट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ हो, तो अल्टीमेटली आपका जो वेव फ्रंट अराइव हो रहा होगा आपके पास में, वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, या फिर आपका सोर्स ही कैसा हो, प्लेन सोर्स हो। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट्स बन सकते हैं। तो एक लाइट सोर्स है, और उससे जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकल रही है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है। अब हाइगन ने ये भी बताया था कि एक वेव फ्रंट से अगले किसी वेव फ्रंट पर जाने के लिए आपको सेकेंडरी वेवलेट्स की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं, तो हाइगन्स ने ये बताया था कि हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। और हर पॉइंट की बात करें, मतलब पॉइंट सोर्स होगा, तो उससे फिर आप नए छोटे 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 स्फेरिकल वेवफ्रंट्स निकालोगे, और उनका किसी लेटर टाइम टी पर जो कॉमन एनवलप होगा, वो आपका उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेवफ्रंट उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पहुंच चुका होगा, उसको इंडिकेट करेगा। खैर, ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, ये काम आती है हमारे कब, जब हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं। बट नीट के अंदर इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं और किस सोर्स से किस तरीके का वेव फ्रंट निकलता है, और दूसरी ये कि अगर कभी आपको वेव फ्रंट से रे बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो आप ध्यान रखना कि रेज जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेव फ्रंट और रे वाला जो कंसेप्ट है, वो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से मैच करता है। वहां पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाया करता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करती है। यहां पर भी वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट की फेज सेम हो जाएगी, और अगर कभी आपको रे बनाने की जरूरत पड़े, तो वेव फ्रंट के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार आपको ऐसा दे दिया जाता है कि जैसे सपोज करो एक ये लेंस है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट अराइव हो रहे हैं, तो बताओ लेंस से गुजरने के बाद में, और कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस से गुजरने के बाद में जो वेव फ्रंट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, आप वेव फ्रंट्स की फॉर्म में तो खेलना जानते नहीं हो रिफ्रेक्शन के साथ और लेंसेज के साथ, तो आप रेज बना लेना। तो रेज कैसी बनेगी, मैंने बताया अभी अभी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी, इन तीनों के परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप तीन रेज बना लेना। आपको पता है पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाया करती है, और अगर इन तीनों रेज की कॉमनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप नए वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करोगे, तो आपके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, कुछ इस तरीके के वेव फ्रंट, राइट। तो
ऐसे वेव फ्रंट दिए जा सकते हैं, डायग्राम दिए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको पूछा जा सकता है कि बताओ करेक्ट डायग्राम कौन सा है। तो आपको ये वाला प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यहां पर लेता है इस तरीके से, आपको ऐसा दे दिया जाता है कि ये जो वेव फ्रंट है ये 30 डिग्री के ऊपर तो इंसिडेंट हो रहा है, और यहां पर ये जो रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है वो 45 डिग्री के ऊपर रिफ्रेक्ट हो रहा है। तो बताओ यहां पर एयर है और यहां पर मीडियम है, तो मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगी। तो ध्यान देना कि जो वेव फ्रंट होता है वो सरफेस से जो एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आई दे दिया गया है, ये डायरेक्ट आर दे दिया गया है, आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आता है और आप आसानी से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू हाइगेंस प्रिंसिपल को कहां से जोड़ा जा सकता है, थ्योरी ऑप्टिक्स से जोड़ा जा सकता है। तो मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि रेज जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये जो कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी वेव्स के अंदर पढ़ चुके हैं और यहां पर हमें इंटेंसिटी के रूप में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 टाइम्स कॉस फाई। यहां पर फाई दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना सीखा था हमने। पाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, फाई इज फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। तो अब दोनों की टर्म्स में ध्यान रखना, जब फेज डिफरेंस 0, 2π, 4π, 2n π हो जाता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यानी कि मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाता है, तो उस केस में cos phi की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि इंटेंसिटी हो जाती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और लाइट के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि इस केस में कैसी फ्रिंज बनेगी, आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। और जब फाइव जो है वो पाई, 3π, 5π, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, या फिर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो इन सारे केसेस के अंदर कॉस फाइव की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, यानी कि इंटेंसिटी हो जाएगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और लाइट के केस में हम बोलेंगे कि कैसी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर दोनों ही वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो, यहाँ पर आई रख दो, यहाँ पर भी आई रख दो, I0 रख दो, तो ये 2√I0 हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो 4 times I0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर दोनों को सेम रख दोगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो जब दो सेम इंटेंसिटी वाली वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर करती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में उनकी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में उनकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है, यानी कि तुम्हें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, कलेक्शन ऑफ फ्रिंजेस मिलती है, जिसको फ्रिंज पैटर्न बोला जाता है। तो लाइट के केस में कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस की बात को रख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि सारे के सारे कंसेप्ट हम जो वेव्स के अंदर पढ़ चुके हैं वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा कि आपकी जो दोनों वेव्स हैं वो कोहरेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों जो सोर्सेज हैं जो उन वेव्स को इमिट कर रहे हैं वो कोहरेंट होनी चाहिए। क्या होती है कोहरेंसी? कोहेरेंसी का मतलब होता है कि उन सोर्सेस से निकलने वाली लाइट के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा आप स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो हम सोर्स ऑफ लाइट देखते हैं, जैसे कैंडल हो गई या फिर ट्यूबलाइट हो गई या फिर बल्ब हो गए, तो इनसे निकलने वाली लाइट की जो फेज है वो टाइम के ऊपर हैवीली डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप यहाँ से एक टॉर्च जलाओगे और यहाँ से एक टॉर्च जलाओगे और किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर इनसे निकलने वाली वेव्स को इंटरफेयर करवाओगे तो आपको कोई फ्रिंज पैटर्न नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सोर्सेज कोहरेंट नहीं है, इनके बीच की फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में इनडिपेंडेंट नहीं है। तो जब आपके सोर्सेज कोहरेंट नहीं होते तो आपको वही चीज दिखाई देती है जो डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो कि इधर से एक टॉर्च जलाया, इधर से एक टॉर्च जलाया, तो जो कॉमन स्पॉट बन रहा होगा वहां पर उनकी इंटेंसिटी आपको ऐड होती हुई नजर आएगी, मतलब टोटल इंटेंसिटी आपको I1 प्लस I2 होती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं दिखाई देगा कि 4 गुना हो जाए और 0 हो जाए अलग अलग केसेस में, राइट। तो इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस कई बार पूछी जाती है, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोर्सेज कोहरेंट होने चाहिए, और प्रीफर करते हो कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब व्हाइट लाइट लोगे तो फिर उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होगी, और अगर आप आगे जाके देखोगे
आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप चाहते हो कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके और फिर उससे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है जनरेट करने की कोशिश करें। तो ये तो थ्योरी हो गई इंटरफेरेंस की। असल में जो एक्सपेरिमेंट आपको इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करके देता है उसको बोलते हैं अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें दो बहुत ही छोटी छोटी स्लिट्स होती हैं, ठीक है ना, और ये दो अलग अलग कोहरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करती है और ये स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रिंज पैटर्न बनाते हुए दिखाई देती है। अगर सेंट्रल पॉइंट की बात करते हो तो इधर से पहुंचने वाली लाइट और इधर से पहुंचने वाली लाइट सेम पाथ को ट्रेवल करते हुए पहुंचेगी, इसलिए सेंट्रल पॉइंट पर हमेशा जो फ्रिंज मिलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो ब्राइट फ्रिंज होगी। फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे डार्क, फिर ऊपर चले जाओगे ब्राइट, फिर थोड़ा ऊपर चले जाओगे डार्क, इस तरीके से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगे, राइट। तो nth ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी कहां पर, n टाइम्स d लैम्डा अपॉन d। कैपिटल d यहां पर स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, देख पा रहे हो आप डायग्राम में, और स्मॉल d यहां पर दोनों स्लिट्स के बीच का गैप है और लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, n नंबर ऑफ फ्रिंज है, राइट। तो अगर जैसे आपको चाहिए कि बताओ सेंट्रल सेंट्रल जो पॉइंट है वहां से बताओ पांचवी ब्राइट फ्रिंज कितनी हाइट के ऊपर बन रही होगी, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो 5 टाइम्स d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ऐसे nth डार्क फ्रिंज कहां पर बननी होगी, 2n-1/2 टाइम्स d लैम्डा अपॉन d। फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, β d लैम्डा अपॉन d। तो इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, इसको n टाइम्स बीटा भी लिख सकते हो और इसको 2n-1/2 टाइम्स बीटा भी लिख सकते हो। एंगुलर विड्थ भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसमें इस d को हटा देना, एंगुलर विड्थ हो जाएगी आपकी सिंपली लैम्डा अपॉन d। ध्यान दो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लैम्डा के ऊपर, और लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इनफैक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था लैम्डा, ठीक है। यानी कि अगर आप पूरे के पूरे इस अपैरेटस को एयर से उठा के किसी म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर ले जाओगे तो आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा और कितने गुना हो जाएगी, β/μ। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस कनेक्ट कर दिए जाते हैं, हम क्वेश्चंस के अंदर इनको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ये चीज भी आपके काम में आएगी। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसके सेंट्रल पॉइंट से जो हाइट है वो है वाई और उस पॉइंट पर जो दोनों वेव्स पहुंच रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस है Δx। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि Δx/d हमेशा y/D के इक्वल होगा। कैसे क्वेश्चंस में काम आएगा, ऐसे क्वेश्चंस में कि एक या दोनों स्लिट्स के आगे वो कुछ टी थिकनेस वाली एक ग्लास स्लैब रख देगा जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप सबसे पहले तो ध्यान रखना कि उस स्लैब की वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट होगा, दैट विल बी μ-1 टाइम्स t। यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट था जहां पर पहले दोनों पॉइंट से निकलने वाली वेव सेम पाथ को ट्रेवल करते हुए पहुंच रही थी, अगर एक के आपने ग्लास स्लैब रख दी तो फिर अब की बार सेंट्रल पॉइंट पर पहुंचने वाली जो दोनों वेव्स है उनका पाथ डिफरेंस सेम, पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, पाथ सेम नहीं होगा, एक्स्ट्रा पाथ कितना जनरेट हो चुका है μ-1 टाइम्स t। तो इसकी वजह से आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल पॉइंट पर ना मिलके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, कितना शिफ्ट हो जाएगी, d/d μ-1 टाइम्स t। तो ये कहां से आया, मैंने इस डेल्टा एक्स जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ उसकी जगह μ-1 टाइम्स t रख दिया। तो वाई की वैल्यू अपने आप ही कितनी हाइट तक आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज खींच सकती वो अपने आप ही आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन ये शिफ्ट होना फलाना होना डिमका होना ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आप इन दोनों तरीके की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हो। ध्यान दो हमें मिनिमम हथियार के साथ चलना है बट हथियार पावरफुल होना चाहिए, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसकी वजह से आपका रटने का काम जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर इसको आप सीख जाओगे, राइट। नेक्स्ट, अगर हम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की बात करें तो एक ही स्लिट के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हाइगेंस ने बताया था अलग अलग वेवलेट्स जनरेट करेंगे, यानी कि हर पॉइंट अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो एक सिंगल स्लिट अगर आप लेते हो तो उसका हर पॉइंट अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको भयंकर वाला इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। हालांकि उसको अपन इंटरफेरेंस नहीं बोलते, उसको अपन डिफ्रेक्शन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो एंगुलर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो हो जाएगी 2λ/a, लीनियर विड्थ हो जाएगी 2d λ/a, ठीक है ना। लीनियर से एंगुलर पर जाना है तो कैपिटल डी हटा दो और एंगुलर से लीनियर पर आना है तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपन पिछली स्लाइड के अंदर भी करते आए थे, ठीक है। एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा लोगे तो λ/a और लीनियर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा लोगे तो λd/a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखना डिफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर हर फ्रिंज की ब्राइटनेस और विड्थ
इक्वल नहीं होती। सेंट्रल फ्रिंज जो होती है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है और उसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ होती है, ऊपर भी और नीचे भी। और बाकी जितनी भी फ्रिंजेस बनेंगी, जो ऊपर वाली जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका पूरा का पूरा फंडा कुछ इस तरीके से समझाया जाता है कि जो हमारी ओपनिंग है, जो सिंगल स्लिट हमने ली है, उसके हर पॉइंट से वेव्स निकल रही है, तो हम क्या करते हैं उस ओपनिंग को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, और पहला जो ऊपर वाला पॉइंट है और जो नीचे वाला पॉइंट है उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा ले लेते हैं। तो दोनों हिस्सों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए इसमें एंथ मिनिमा तब बनती है जब ये ए साइन थीटा या ए थीटा कह लो, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो किसके इक्वल हो जाए, एन लैम्डा के इक्वल हो जाए। ध्यान देना, थोड़ा सा उल्टा लगेगा आपको कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो सर ने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, बट डिफ्रेक्शन के केस में उल्टा हो जाएगा। जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, राइट, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, मिनिमा, ठीक है। और जब पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इसके इक्वल हो जाए 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाए, मतलब 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जैसे 3λ/2 वाला केस पकड़ो, यानी कि आप सिंगल सेट को तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे, λ/2, 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 तो ऊपर वाले दो हिस्से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और नीचे वाला हिस्सा आराम से पहुंच जाएगा, यानी कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर अदर फ्रिंजेस जो होती है उनकी ब्राइटनेस कम होती चली जाती है, क्योंकि सिंगल स्लिट से जो पोर्शन ऑफ लाइट उस पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता चला जाता है। तो ये इसकी थ्योरी है, हालांकि हमें थ्योरी के अंदर नहीं जाना, नीट के अंदर जो क्वेश्चन डिफ्रेक्शन के ऊपर पूछा जाएगा वो केवल और केवल इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है 100%, ठीक है। साथ ही साथ में डिफ्रेक्शन की वजह से आप देखोगे कि जो डिफ्रेक्शन है उसका असल में सिग्निफिकेंस होता है लाइट का स्प्रेड हो जाना। अगर आप डिफ्रेक्शन को डे टू डे लाइफ में समझने की कोशिश करो, तो सपोज करो ये आपकी ओपनिंग है और आपने यहाँ पे लाइट की एक बीम डाल रखी है, तो लाइट की बीम इस ओपनिंग से पास होके सामने एग्जैक्ट इतने ही पोर्शन के ऊपर स्क्रीन तक पहुंचनी चाहिए। अदर जो पोर्शन है वहां पर शेडो, ठीक है, जिस तरीके से आपने ऑप्टिकल लगा रखे शेडो बननी चाहिए, बट डिफ्रेक्शन की वजह से लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है और उन हिस्सों में भी पहुंच जाती है जहां पर उसकी शेडो होनी चाहिए। लाइट के केस में थोड़ा सा मुश्किल है, बट साउंड के केस में आपने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा कि साउंड जो है वो बड़े आसानी से डिफ्रेक्ट होता हुआ नजर आता है। मैं इस कमरे के अंदर बोल रहा हूँ और बाहर आई एम श्योर जो मेरी टीम के मेंबर्स बैठे होंगे उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है और डिफ्रेक्शन का जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा ऑब्स्टिकल, उतने ज्यादा साइज के ऑब्स्टिकल के किनारों पर से मुड़ती हुई वेव्स जो है वो उन इलाकों में पहुंच जाएगी जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। इसको अपन कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बीम। तो एक डिस्टेंस होती है जिसको फ्रेनल डिस्टेंस बोला जाता है, उसमें आप ये कहते हो कि अगर ए साइज वाला कोई ओपनिंग है तो उतनी ही साइज की स्प्रेड जनरेट हो जाती है इतने डिस्टेंस तक जाते जाते। तो ये फ्रेनल डिस्टेंस जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। और इसी स्प्रेडिंग की वजह से आप रिजॉल्विंग पावर के कॉन्सेप्ट पर जाते हो। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे थे सबके अंदर लेंसेस काम करते हैं, लेंस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ओपनिंग, राइट, लाइट एंटर ही तो करती है लेंस से, तो वहां पर भी डिफ्रेक्शन की वजह से ये स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वाला इफेक्ट जनरेट होगा, तो आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो अफेक्ट होगी। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिजॉल्विंग पावर आपको ध्यान में रखनी है, माइक्रोस्कोप के लिए 2 times mu times sin theta / 1.22λ होती है। यहाँ पर थीटा उस पॉइंट से लेंस के ऊपर जो लाइट पहुंच रही है कोण बन रहा होगा कुछ इस तरीके का, पॉइंट सोर्स माने लो तो थीटा उसका हाफ एंगल हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रख लो, केस ध्यान रख लो, बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जब भी पूछे जाएंगे तब इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, राइट, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन होगा। टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी ए अपॉन 1.22 times λ। ए यहाँ पर अपर्चर हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का जहां से लाइट आपकी एंटर करती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ध्यान रखना हमेशा रिजोल्विंग पावर की रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, तो अगर आपको रिजोल्विंग पावर मिल जाए तो उसको 1/ रिजोल्विंग पावर कर दो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिल जाएगी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिल जाए तो 1/ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कर दो, आपको रिजोल्विंग पावर मिल जाएगी। तो ये हिस्सा जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जब भी पूछे जाएंगे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली तो ऐसा पूछा जाएगा कि म्यू को डबल कर दिया, लैम्डा को हाफ कर दिया, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना।
और लास्ट कंसेप्ट है पोलराइजेशन। बहुत वाइड है पोलराइजेशन, हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब है कि वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी भी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन है वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो अगर रेंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो अनपोलराइज लाइट कहलाती है, नॉन पोलराइज लाइट कहलाती है, राइट, जो भी आप बोलना चाहो। और अगर आप उसको एक प्लेन के अंदर कन्फाइन कर देते हो तो फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। तो हम पोलराइजेशन के अंदर केवल और केवल दो चीजें ध्यान में रखेंगे, एक तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जब आपकी लाइट आती है, ठीक है ना, जो कि पोलराइज्ड नहीं है, तो जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है वहां पर इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। एक खास एंगल ऐसा होता है, नेचर ने बनाया ये रूल, ठीक है, एक खास एंगल ऐसा होता है जिसको ब्रूस्टर एंगल बोला जाता है, जिसके ऊपर अगर लाइट की रे इंसिडेंट हो जाए तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। और आप इस फैक्ट को यूज करके आसानी से ब्रूस्टर एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल से रिलेट कर सकते हो, आई बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स म्यू। तो ध्यान रखना दो चीजें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट होती है। पहली तो हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल, और आज हम पढ़ रहे हैं ब्रूस्टर एंगल। तो ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल देके ब्रूस्टर एंगल पूछा जा सकता है और ब्रूस्टर एंगल देके क्रिटिकल एंगल पूछा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को लिंक किया जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दूसरा आपको ध्यान रखना है मैलिस लॉ। अगर कोई आई इंटेंसिटी वाली पोलराइज्ड लाइट, ध्यान रखना आई नॉट इंटेंसिटी वाली पोलराइज्ड लाइट अगर किसी पोलराइजर के ऊपर इंसिडेंट होती है जिसका एक्सिस थीटा एंगल पर हो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन सॉरी थीटा एंगल पर हो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन से, तो आपकी जो बाहर निकलेगी लाइट वो पोलराइज तो होगी बट उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसके लिए आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से गुजारी जाती है तो वो पोलराइज तो हो जाती है बट उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है, इसमें इंटेंसिटी भी कितनी हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। और फिर अगर आप उसको किसी अदर एनालाइजर से गुजारते हो, है तो पोलराइजर ही बट एनालाइज करने के काम में आता है, तो एनालाइजर से गुजारते हो तो इसके और इसके एक्सिस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो आपको जो रिजल्टेंट लाइट मिलेगी वो होगी तो पोलराइज बट उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के एंगल पर डिपेंड करता है, इसको एनालाइजर इसीलिए बोला जाता है कि अगर तुम घुमाते 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 दोनों पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 90 कर दोगे, थीटा 90 हो जाएगा, तो आपकी इधर इंटेंसिटी क्या आ जानी चाहिए, जीरो। तो आप चेक कर सकते हो कि यार हमारी जो लाइट है वो पोलराइज हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ठीक है। तो ये कुछ छोटे 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 फैक्ट्स थे जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखो, जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई उनको ध्यान रखो, एज ए वेपन अपन उनको यूज करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाय टू एट पॉइंट ए एंड टू पाई एट पॉइंट बी, देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए। तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, क्या हुआ करता था, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू टाइम्स कॉस फाइव। तो सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी ए कितनी हो जाएगी, आई वन की वैल्यू कितनी दे रखी है आई, आई टू की वैल्यू कितनी दे रखी है फोर आई, और ए के ऊपर आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है फाइव बाई टू, और फेज डिफरेंस पाई बाई टू होने की वजह से पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका फाइव टाइम्स आई। वहीं अगर पॉइंट बी पर आप चले जाते हो तो आई एट बी हो जाएगी आई प्लस फोर आई, फेज डिफरेंस कितना है आपका टू पाई है। वैसे तो आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट होनी चाहिए रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर भी लगा सकते थे, बट ऐसे भी कर लो ये आ जाएगा टू रूट आई एंड रूट फोर आई, ठीक है। तो ये तो ऐड होके फाइव आई हो जाएगी और ये
टू टाइम्स और उटाई मल्टीप्लाई होकर आई जाएगी, रूट फोर खुद किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है, तो फाइव प्लस फोर आई कितना हो जाएगा आपका नाइन आई हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, इससे भी वही चीज आती है, आई ये टू रूट आई बन जाता मतलब थ्री रूट आई बन जाता मतलब नाइन आई बन, वही आ रहा है ठीक है। तो आपको पता लगाना है, फाइंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी। तो ए पर कितनी जनरेट हो रही है फाइव आई, बी पर कितनी जनरेट हो रही है नाइन आई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा फोर आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स ऑब्जर्व्ड बाय टू लाइट सोर्सेज ऑफ सेम वेवलेंथ आर ए एंड टू ए हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन देम, देन मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब ध्यान दो, अगर एम्पलीट्यूड सेम होते, इंटेंसिटी सेम होती, तो हम डायरेक्ट पता लगा लेते कि यार पाई के फेज डिफरेंस के ऊपर अपियर हो रही है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब जीरो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी कैसा हो रहा है, अभी दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप I1 की जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हो, एम्पलीट्यूड A का स्क्वायर, और I2 की जगह आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो, एम्पलीट्यूड 2A का स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर। तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी रूट आई वन या रूट आई टू, जो बड़ा है उसको पहले लिखो रूट आई वन का होल स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करोगे, रूट आई टू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका रूट लोगे तो टू ए आ जाएगा, टू टाइम्स ए, और इसका रूट करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, टू ए में से ई चला जाएगा तो ए बचेगा यानी कि ए स्क्वायर। या फिर हम वेव्स का कंसेप्ट भी लगा सकते थे, हमें पता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाया करते हैं माइनस, तो एक का एम्पलीट्यूड ए है दूसरे का टू ए है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा ए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी ए स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इंटेंसिटी ऑफ ईच ऑफ द टू वेव्स इज आई एंड दे आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री When the waves are superimposed, then the resultant intensity will be. Formula है हमारे पास में, ठीक है? तो I resultant इसका नाम रख देते हैं। पहली वाली wave की intensity I है, दूसरी की भी I है, फिर टू रूट आई टाइम्स रूट आई एंड cos 120 की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन बाय टू, तो ये बन जाएगा आपका I प्लस I, ये माइनस टू टाइम्स आई टाइम्स वन बाय से ये कैंसिल हो जाएगा, एक आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी किसके इक्वल आ जाएगी आई के इक्वल आ जाएगी, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए राइट। आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज सेंड वेव्स विच इंटरफेयर इफ द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 25। तो हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम तो होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर और मिनिमम होती है रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, तो ये हमें कितना दे रखा है 25:1। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेज, आसानी से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू डिवाइडेड बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू, इधर आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय वन, इसको उधर तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू इज इक्वल टू फाइव रूट आई वन माइनस फाइव रूट आई टू, कर सकते हैं ये तो बहुत आसान है, तो अपन इसको तो इधर ले आएंगे और रूट आई वन को उधर ले जाएंगे, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो 5 प्लस 1 ऑलरेडी 6 रूट आई टू बन जाएगा, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो 5 में से 1 चला जाएगा 4 रूट आई वन बन जाएगा, यानी कि रूट आई वन डिवाइडेड बाय रूट आई टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट आई वन डिवाइडेड बाय रूट आई टू, 6 डिवाइडेड बाय 4
यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2 के क्यूब में। तो आई वन डिवाइडेड बाय आई टू जो है वो कितना हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 4। 9 डिवाइडेड बाय 4 या 4 डिवाइडेड बाय 9 जो भी दे रखा हो, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a thin transparent plate of thickness t and refractive index mu is placed in path of one of the two interfering waves of light, then the path difference changes by, तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था ना, पाथ डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, mu माइनस 1 टाइम्स t जनरेट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Young's experiment, monochromatic light through a single slit s is used to illuminate the two slits S1 and S2. Interference fringes are obtained on a screen. The fringe width is found to be W. Now a thin sheet of mica, ठीक है, इसकी thickness T दे रखी है, refractive index mu दे रखी है, is placed near and in front of one of the two slits. Now the fringe width is found to be W dash. Then W dash की जो value है वो कितनी होगी? तो ध्यान दो, मैंने बताया था आपको कि जब तुम किसी एक स्लिट के सामने किसी थिकनेस टी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वाली कोई शीट रख देते हो, ग्लास स्लैब रख देते हो या मीका शीट रख देते हो, जो भी है मतलब, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो डिस्प्लेस हो जाती है। ध्यान देना, क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, बट उसकी वजह से फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि W डैश की जो वैल्यू होगी वो स्टिल इस केस के अंदर भी कितनी होगी, W होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मीका शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ रे फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स S1 बाय हाउ मच डिस्टेंस The fringe pattern will be displaced. तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वाई अपॉन कैपिटल डी के, और डेल्टा एक्स जो एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है वो म्यू माइनस 1 टाइम्स टी के इक्वल हो जाता है। ये रख देंगे यहाँ पे, तो म्यू माइनस 1 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी टाइम्स टी टाइम्स म्यू माइनस 1, इतना डिस्प्लेस हो जानी चाहिए आपकी सेंट्रल राइट फ्रिंज। तो कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रिंजेस। लैम्डा हमें कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो समझते हो 10^-10। फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.8 mm, फ्रिंज विड्थ हमें कितनी दे रखी है 0.8 mm, यानी कि 10^-3 मीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर दे दी है हमें डिस्टेंस। इन द होल एक्सपेरिमेंट इज डेप्थ इज कीप इज केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6, देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, मतलब इतना घुमा फिरा के भी हमें ये कहा गया है कि बताओ ऐसा होने पर क्या होगा। तो हम थोड़ा बहुत शुरू से करते हैं। अभी हमें पता है कि ये जो बीटा है वो किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के इक्वल। बाद में जो बीटा डैश हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा डैश, कैपिटल डी तो आप चेंज करने वाले नहीं हो, ना ही स्मॉल डी चेंज करने वाले। तुम्हें पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर तुम सपोज करो म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। लैम्डा वन को हमने लैम्डा लिखा है, लैम्डा टू को हमने लैम्डा डैश लिखा है। म्यू टू हमारे लिए कौन बन गया, वो लिक्विड जिसमें हम उसको ले जा रहे हैं जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.6, और म्यू वन हमारे लिए कौन था, एयर जो कि पहले रखा हुआ था, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। और जैसे ही हमें ये पता पड़ गया कि लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगी, तो बीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा टाइम्स डी डिवाइडेड बाय डी टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1.6। मैंने लैम्डा डैश की जगह लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.6,
ये तो ऑलरेडी हमें पता है बीटा के इक्वल है, तो बीटा डैश हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय 1.6। इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, जब आप न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी लिक्विड के अंदर ले जाते हो पूरे के पूरे अपैरेटस को, तो आपकी फ्रिंज विड्थ रिड्यूस हो जाती है, कितनी गुना न्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाय न्यू टाइम्स 1 बाय न्यू रह जाती है इस तरीके से। अब हमें बीटा कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 0.8 mm, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 1.6 से, ये कट जाएगा 8/16 का मतलब 1/2 mm, और 1/2 का आप लिख सकते हो 0.5। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, मैंने आपको सिखाने के लिए पूरा बताया है, आप डायरेक्ट इसको एज अ फैक्ट यूज कर सकते हो बीटा बाय न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड थिकनेस टी इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स, इसमें वन ऑफ द स्लिट्स कर लो, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, ठीक है ना, फर्स्ट स्लिट के सामने डालो। ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मच विल बी द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 100 cm। वन स्लिट क्यों, क्योंकि अगर दोनों ही स्लिट्स के सामने आप रख दोगे ना इस तरीके की शीट, तो फिर आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगेन कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन ये प्रॉपर तब बनेगा जब एक स्लिट के सामने इस तरीके की थिकनेस वाली शीट रखी जाए, राइट। तो अब तो हमें पता है कि कितना शिफ्ट जनरेट होगा, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी अब तो याद कर लिया है, कैपिटल डी टाइम्स टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टाइम्स म्यू माइनस वन, हमें सब चीजें दी हुई है। कैपिटल डी कितना दे रखा है 100 cm 10^-2, स्मॉल डी कितना दे रखा है हमें 0.5 mm यानी कि 10^-3, म्यू कितना दे रखा है हमें 1.5, और 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.5, और थिकनेस टी कितनी दे रखी है हमें 2.5 × 10^-5। अब देखो 0.5 से 0.5 चला जाएगा, ये 10^2 है, ये -2 है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगी, यानी कि 1 रह जाएगा ऊपर, तो ये -5 है, इस -3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, मतलब -2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2.5 × 10^-2 meter, इसको आप लिख सकते हो 2.5 cm, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आसानी से आप देख सकते हो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 micrometer, ठीक है, माइक्रो का मतलब पता है 10^-6 होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स एंड अनदर स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड स्लिट, इफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स अनऑल्टर्ड देन द थिकनेस इज, तो अब इसमें हमें दिमाग लगाना है, सर ने बताया था कि अगर थिकनेस टी वाली अगर आप लोग स्लैब रख देते हो एक स्लिट के सामने तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना जनरेट हो जाता है, आप बोलोगे सर म्यू माइनस वन टाइम्स टी 1.2 × 10^-6, तो अगर एक ही स्लिट के सामने रखते इसके सामने रखते तो इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता। अब आपने दूसरी स्लिट के सामने भी रख दिया, राइट, यानी कि दोनों के कारण जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करना चाहिए, तो दूसरे की वजह से जो पाथ डिफरेंस जनरेट होगा वो हो जाएगा 2.5 - 1 times t, अब तो हमें t आसानी से मिल ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.5 × 1.2 × 10^-6, और यहाँ पे बचेगा 1.5 × t। देखो 0.5 से 0.1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से 1.2 कैंसिल हो जाएगा 0.4 times, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.4 × 10^-6 meter, यानी कि इसको आप 0.4 micrometer भी लिख सकते हो। तो अगर आप इतनी थिकनेस वाली दूसरी शीट दूसरी स्लिट के सामने रख दो तो ओवरऑल आपका जो फ्रिंज पैटर्न है वो वापस से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, जैसे आपने कोई थिकनेस वाली शीट रखी थी, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन का फॉलो अप क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, तो ये शीट रखने वाला जो काम है ना ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ 6000 angstrom इज इंसिडेंट अपॉन अ स्लिट ऑफ 0.2 mm विड्थ व्हिच इनेबल्स फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन 2 meter away,
विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन मिलीमीटर विल बी, यानी कि हमें लीनियर विड्थ पूछी गई है, और लीनियर विड्थ जो हुआ करती थी वो किसके इक्वल हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो, ट्वाइस बी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, हमें डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन पैटर्न टू बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन 2 meters अवे, तो डी की वैल्यू कितनी दे दी 2। लैम्डा हमें दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, तो इंसिडेंट अपॉन ए स्लिट ऑफ 0.2 millimeter विड्थ, तो स्लिट का जो अपर्चर है वो कितना दे रखा है हमें 0.2 millimeter, का मतलब होता है 10^-3। एंगस्ट्रॉम को भी अपन क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10। इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, पॉइंट हटाओगे तो 1 10 ऊपर डालना पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। यहां तक की बात आ गई आपको समझ में, ये है 10^3, ये है 4, -10 एंड +4 करोगे तो बचेगा माइनस का 6, इसको ऊपर लेके आओगे तो +3 बन जाएगा, तो -6 और +3 फिर बचेगा ओवरऑल माइनस का 3, यानी कि 12 × 10^-3 मीटर, यानी कि 12 millimeter, ये इसके वेट हो जाना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा की वेट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 degree, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर एंगल जो है वो कितना दे रखा है आपको 60 degree, 60 degree का मतलब है जो tan इनवर्स म्यू है वो कितना हो जाना चाहिए 60 degree, यानी कि म्यू कितना हो जाना चाहिए tan 60 degree, यानी कि रूट 3 हो जाना चाहिए, और एक तरफ से हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल होता है, अगर आपको ध्यान हो तो साइन इनवर्स आई सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/μ, यानी कि आई सी हो जाएगा आपका साइन ऑफ 1/μ। क्रिटिकल एंगल ही तो पूछा गया है आपसे, तो आई सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन म्यू, अभी अभी आपने निकाला है 1/√3, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा रख दिया इसको, दोबारा से फटाफट दे, छोटी मोटी गलती, ठीक है, साइन आई सी नॉट इनवर्स, साइन आई सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/√3 के इक्वल होता है, तो साइन आई सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल, ठीक है, तो ब्रूस्टर एंगल पे क्या क्या होता है वो आपको पता ही है, इफ म्यू रिप्रेजेंट्स द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेज इज, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल, अब ब्रूस्टर एंगल आपको सबको पता है, म्यू रिप्रेजेंट्स द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेज इज, तो आपको क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, आपको पता है कि ब्रूस्टर एंगल के ऊपर जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाता है 90 degree, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 degree द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, इसका मतलब है कि वो 60 डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए, तो ब्रूस्टर एंगल हमें दे रखा है 60 degree, हमें पता है किसके इक्वल होता है tan इनवर्स म्यू, यानी कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी tan 60 degree, दैट इज √3, और हमें पता है म्यू किसके इक्वल होता है स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, तो स्पीड इन मीडियम जो होगी वो कितनी हो जाएगी स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय √3 के इक्वल हो जाएगी, स्पीड इन वैक्यूम होती है आपकी g
3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसको आप रूट थ्री से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कर सकते ना आसानी से ऐसे क्वेश्चंस। आपको जैसे ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेट करना आ गया तो फिर आपके लिए बड़ा काम नहीं होना चाहिए। पोलराइज अ पोलरॉइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी, तो आई नॉट है, ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर रखा गया है तो इंटेंसिटी हो जाएगी कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√2, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, यानी कि आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। इतनी इंटेंसिटी की जो लाइट है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। At what minimum distance from the common center bright fringe on the screen 2 meter from the slit will be a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other? तो हमें पता है कि पहले की वजह से जो nth bright fringe बनेगी वो हो जाएगी n1 d lambda 1 divided by small d, और दूसरे की वजह से हो जाएगी n2 d lambda 2 divided by small d। ये तो cancel out हो ही जाएंगे, तो n1 lambda 1 किसके इक्वल आ जाएगा, n2 lambda 2। ठीक है, तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाकी सारी चीजें किसी भी काम की नहीं है, 2 वेवलेंथ्स lambda 1 एंड lambda 2, तो हम यहां पे n1 डिवाइडेड बाय n2 देखेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, lambda 2 डिवाइडेड बाय lambda 1। lambda 2 की वैल्यू कितनी है 10,000 और lambda 1 की वैल्यू कितनी है 12,000। इसको जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस कर दो, ये हो जाएगा 5/6। तो n1 की वैल्यू हो सकती है 5 mm और n2 की वैल्यू हो सकती है 5 mm, n1 की वैल्यू हो सकती है 5 और n2 की वैल्यू हो सकती है 6। ठीक है ना, एक की फिफ्थ फ्रिंज और दूसरे की सिक्स्थ फ्रिंज जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है। तो ये पूछ रहा है कि फ्रॉम द स्लिट विल बी अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 meters फ्रॉम द स्लिट विल बी अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद। तो हमें इतना तो पता पड़ गया कि पहले की फिफ्थ फ्रिंज और दूसरे की सिक्स्थ फ्रिंज जहां पर मिल रही होंगी वहां पर वो दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रही है, तो जो हमारी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है पहले के हिसाब से निकाल लो, फिफ्थ फ्रिंज डी कितना दे रखा है हमें, स्क्रीन कितनी दूर रखी हुई है 2 meters, पहला वाला फर्स्ट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 12,000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना दे रखा है आपको 2 mm, 2×10⁻³। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, राइट, 12×5 कितना आ जाएगा आपका 60। अब देखो 60 के आगे 1, 2, 3 0 और लग जाएंगे और यहाँ पर टोटल पावर -3 माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो 10⁻¹⁷। यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है, तो × 10⁻¹⁷ ये 4 हो गया, ये -7 हो गया, -3 यानी कि 6 mm। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर आप इंटरप्रेट कर सकते हो, मैंने आपको वो हथियार दिया जिसको आप खुद चाहो तो यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी रखने का सवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर दो। दो अलग अलग वेवलेंथ लिए यानी कि दोनों की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, तो पहले की n1 और दूसरे की n2 नंबर वाली जो फ्रिंज है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही होगी, तो n1 n2 की वैल्यू निकाल लो रेशियो की फॉर्म में, और जैसे आपको n1 n2 की वैल्यू पता पड़ जाए तो फिर सेंट्रल फ्रिंज से आप किसी को भी, आप n2 को यूज करके भी निकाल सकते हो, वैसे ही आंसर आएगा आपका। राइट, ये अक्सर ऐसा सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3 mm एंड द स्क्रीन इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5, स्मॉल डी और कैपिटल डी दे दिया गया,
द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड टू बी डिस्प्लेस्ड बाय 6 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है, द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड टू बी डिस्प्लेस्ड बाय 6 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो हमें पता है 6 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, एन की जगह रख देंगे 2 टाइम्स डी टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय डी. तो इससे हमें आसानी से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. लैम्डा हो जाएगा आपका 6 मिलीमीटर टाइम्स स्मॉल डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी. फटाफट से सॉल्व करते हैं, 6 मिलीमीटर इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2, और कैपिटल डी हमें कितना दे रखा है, 1.5 मीटर. अब देखो ये मिलीमीटर और ये मिलीमीटर है, -3 और -3 -6 हो जाएंगे, ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटा 3 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 5, इधर से 3 बचा और इधर से 5 बचा, और मिलीमीटर और मिलीमीटर मल्टीप्लाई हो गए कितने हो गए, -6. इसको आप लिख सकते हो चाहो तो 0.6 × 10⁻¹⁶, ठीक है. तो इसको अगर आप मिलीमीटर के अंदर लिखना चाहोगे तो -6 है ना, तो इसको -3 दे दो. एक बार अपन देखते हैं सारी चीजें सही है, मिलीमीटर लिया है अपने, सारा काम सही किया है. हाँ फटाफट से सॉल्व करते हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, आई गेस ये नैनोमीटर के अंदर होना चाहिए आंसर, है ना, ठीक है. तो अपन इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 600, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁹, तो आपका आंसर आना चाहिए 600 नैनोमीटर. ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नैनोमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है. ऑप्शंस अपनों ने क्वेश्चन करा है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस है नैनोमीटर के अंदर, वैसे भी एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के अंदर ही होती है लाइट की वेवलेंथ, राइट, मिलीमीटर में कभी भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन सारे के सारे नैनोमीटर में होंगे. आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. ठीक है, तो ये जहां पर lambda है वहां पर समझ जाना कौन सा interference हो रहा है, constructive interference हो रहा है, यानी कि आपकी जो maximum intensity है वो कितनी दे रखी है, k दे रखी है. और maximum intensity कब होती है, जब आप maximum intensity का मतलब कितना होता है, 4 times I know, same intensity use करी ना, same light source use किया, वो तो अपन को कितना दे रखा है, k दे रखा है, यानी कि I naught की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k by 4. सबसे पहले इसको पकड़ना है, सेम वेव्स है, दोनों की इंटेंसिटी I naught रही होगी, दोनों कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 4 I naught. तो लैम्डा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि k हो गया कितना, 4 I naught, तो I naught की वैल्यू हो जाएगी k by 4. और लैम्डा by 4 का मतलब क्या होगा, तो यहां पर आ जाता है डेल्टा x डिवाइडेड बाय लैम्डा phi divided by 2 pi. तो यहाँ पर अगर अपन lambda by 4 रखेंगे, lambda by 4 divided by lambda is equals to phi upon 2 pi. lambda से lambda चला गया, 1 by 4 is equals to phi upon 2 pi. 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी, phi की वैल्यू आ जाएगी pi by 2. तो ये काम हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो था उसके अंदर cos phi यूज हो रहा था, तो हमें phi निकालना था कि इस lambda by 4 path difference के corresponding जो phase difference होगा वो कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा pi by 2. और pi by 2 के ऊपर जो resultant intensity हो जाएगी वो हो जाएगी root, not root, पहले वाले wave की intensity, दूसरे की intensity, twice of root of पहले की intensity, root of दूसरे की intensity, cos of pi by 2. ये value पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो I की value आ जाएगी simply 2i0. और I naught की जगह हम क्या रख सकते हैं, k divided by 4 रख सकते हैं, 2 से 4 चला जाएगा, k divided by 2 आपका आंसर. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको बड़े प्यारे तरीके से यूज किया गया है, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर देने हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
In a double slit experiment, the two slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. Small d और capital d मिल चुका है. Monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Again, this is nanometer. ये हमारे एडिट से आपकी आंखें थोड़ी सी कमजोर होने की वजह से हो रहा है. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of सिंगल स्लिट पैटर्न. तो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस को क्या करने की कोशिश करी गई है, एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश करी गई है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट. तो डबल स्लिट की जो 10th मैक्सिमा है वो कितनी हाइट पर जाकर मिलती है हमें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 10 टाइम्स कैपिटल डी टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल. तो ये वो एरिया हो गया स्क्रीन का जिसके अंदर आपकी 10 मैक्सिमा जो है वो समा जाएगी. और अगर अपन सिंगल स्लिट की बात करें तो उसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी विड्थ होती है ट्वाइस ऑफ डी टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच स्लिट. तो ये जो दो स्लिट्स के बीच का गैप है वो 1 मिलीमीटर है. स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर है. ठीक है, लैम्डा हमें दे रखा है, हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है. व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, यानी कि हमें ये जो ए है साइज ऑफ ईच स्लिट जो है ये हमें निकालना है. तो देखो डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो सिंपली कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 10. यानी कि ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी हमें कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.2 मिलीमीटर. तो हर स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 0.2 मिलीमीटर होनी चाहिए, तब जाके आप सेंट्रल फ्रिंज के अंदर इतनी मैक्सिमा जो है वो क्या करवा सकते हो, डाल सकते हो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स डाउनवर्ड बाय 4 मिलीमीटर व्हेन अ पॉलिएस्टर शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 is placed in front of the lower slit. If wavelength used is lambda 683 nanometer, separation between this and separation between A, then thickness of sheet is. तो हमें पता है जो shift generate होता था वो किसके equal हुआ करता था, d times t divided by small d times mu minus 1 के equal हुआ करता था. तो हमें t find out करना है, तो वो हो जाएगा shift मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी टाइम्स म्यू माइनस 1. फटाफट से सबकी वैल्यू रखते हैं. शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 4 मिलीमीटर, 4 × 10⁻³. स्मॉल डी कितना दे रखा है हमें, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³. कैपिटल डी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻². और म्यू कितना दे रखा है हमें, 1.8 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.8 बन जाएगा. ठीक है, 4 × 2 करेंगे 8, पॉइंट हटा दो पहले 10 लगा दो, इस 4 और 2 से मिलते ही 8 कैंसिल हो जाएगा, तो सारे के सारे 10 ही 10 बच गए आपके. इस 10 से भी ये 10 कैंसिल हो जाएगा, -3 और -3 -6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +2 -6 और +2 करेंगे तो -4, 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं, या इसको लिखा जाए तो 1/10 × 10⁻³. भाई जो 8 × 10⁻¹ है ना वो मैंने छोड़ दिया, और 1/10 की वैल्यू होती है 0.1 × 10⁻³ मीटर यानी कि 0.1 मिलीमीटर. ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. राइट, आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The reflected ray is completely polarized when a ray is incident at a medium of refractive index 1.73. Then the value of angle of refraction is. देखो क्वेश्चन को घुमाया गया. Reflected ray is completely polarized when a ray is incident at a medium of refractive index this. यानी कि सबसे पहले तो हमें पता करना है कि ब्रूस्टर एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है रे, और ब्रूस्टर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स न्यू के इक्वल होता है. और यहाँ पे 10 इनवर्स न्यू कितना दे रखा है, 1.73, और 1.73 जो है वो ही रूट 3 की वैल्यू भी होती है,
और tan इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू आपको पता है सबको कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें पता पड़ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, और हमें पता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन के इक्वल होना चाहिए। तो म्यू टू का मतलब हो गया हमारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन का मतलब हो गया अपन एयर से आ रही। साइन आई बी की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू साइन आर, आर हमें निकालना है, म्यू कितना है रूट थ्री डिवाइडेड बाय वन, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यानी कि आर कितना हो जाना चाहिए आपका 30 डिग्री। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रूस्टर एंगल के ऊपर कोई रे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, मतलब 30 डिग्री जो है वो आपको फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। राइट, कर सकते हैं अपन आसानी से। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनपोलराइज लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। तो सबसे पहले के ऊपर अनपोलराइज लाइट आ रही है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0। तो मैंने बताया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, I0 डिवाइडेड बाय 2। अ थर्ड पोलराइड, सॉरी, अनपोलराइज लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। अ थर्ड पोलराइड P3 इज कैप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद P1। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 is, तो यहां पे आपने P3 रख दिया, ठीक है, और एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, और फिर उसके बाद में लाइट कहां पर जाएगी, P2 के पास में जाएगी, तो P3 के रेस्पेक्ट में P2 का एंगल अगेन कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें मैलस लॉ अप्लाई करना है, यहां से सबसे पहली बार इंटेंसिटी कितनी होगी I0/2, तो यहां से कितनी हो जाएगी I0/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो कितनी हो जाएगी I0/4, तो यहाँ पे आ रही है I0/4, तो फिर यहाँ पर कितनी चली जाएगी I0/4 टाइम्स cos स्क्वायर 45 डिग्री, एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2 अगेन इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी कि I0/8। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पोलराइजेशन के ऊपर पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अनपोलराइज लाइट जो होती है उसको किसी पोलराइड के ऊपर इंसिडेंट करवाते हो तो जो पोलराइज लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी जस्ट कितनी हो जाती है 1/2, और उसके बाद में तो फिर आप कॉन्जिक्यूटिवली माइनस लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उन सबको कवर अप करने की कोशिश करी है हमने आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप मोस्ट वांटेड सीरीज आपको बेनिफिट्स पहुंचा रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।